जब से को समात करें हजरत बाद कत्ल हुसैन जनाब जैनब को जब असीर करके बाजार कूफा और दरबार शाम में ले जाया जाने लगा तो जनाब जैनब अपने बाबा को याद कर कर क्या क्या बयान कर रही हैं। इस नौहे में यहाँ से समात करें इंशाल्लाह गिरिया करेंगे हजरत। और ये
دیوی بند سماعت کریں حضرات ایک وقت وہ تھا جب مولا علی کی حکومت تھی اور جناب زینب کوفے کی شہزادی کہی جاتی تھی لیکن بعد قتل حسین وہ زمانہ بدل گیا اب کیا ہوا سماعت کریں جناب زینب کے فریاد میں اب کوفے کی شہزادی کہا سماعت کریں حضرات جناب زینب کی مظلومیت کیا مظلومیت ہے جناب زینب کی اس بند میں سماعت کریں اٹھا تھا رات میں ماں کا جنازہ مصیبت سے
मुझको छोड़ा दे के ज़ैनब बेदा बाजार में है नजफ से कोई। ये भी बन समात करें हजरत, इस मिसरे में भी जनाबे ज़ैनब की मज़लूमियत कितनी बेबस है जनाबे ज़ैनब, समात करेंगे इंशाल्लाह, गिरिया करेंगे, तसव्वुर शर्त है। बोला करे सब आखिरी शेर समाप्त करें हजरत, जनाब आबिद बीमार की क्या मजलूमियत है इस बंद में मुलाहिजा करें इंशाल्लाह मसा। किल्लत की बुनियाद पर पूरा नवा नहीं पेश कर पा रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी और पेश करूँगा। मक्ते का बंद दुआओं के साथ समाप्त कर दें, ये आखिरी बंद और समाप्त कर लें, इसके बाद मक्ता।
बड़े मकते के बाद पेश कर रहा हूँ। अजब था कब से नब की सदा